ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बकरा ईद का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। 12 अगस्त को ये त्यौहार मुस्लिम समुदाय बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। इस त्यौहार में जानवरों की कुर्बानी की जाती है। अक्सर लोग कुर्बानी के लिए जो जानवर लाते हैं उसे अपने घर में या फिर गलियों में कुर्बानी करते हैं, मगर इस बार कुर्बानी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कुर्बानी के लिए जो भी जानवर लाए हैं उसे घर में या फिर गलियों में आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसी संदर्भ में मुंब्रा पुलिस ने आफरीन हॉल में एक मीटिंग रखी थी। पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि शहर में कानून व्यवस्था बने रहे और शहर में कुर्बानी के लिए 5 जगह स्लॉटर हाउस बनाए जाएंगे जिसमें लोग अपने जानवरों की कुर्बानी कर सके। शहर में मनपा द्वारा जो कुर्बानी के लिए इंतज़ाम किया गया है उसमें पहला कुर्बानी के लिए जो जगह है वो नदीउल फला मदरसा तलाव पाली है, दूसरी जगह शिमला पार्क स्टेडियम के पास, इसी तरह तीसरी जगह डोंगरे चाल किस्मत कॉलोनी कौसा में है, तो चौथी जगह हुदा पार्क भारत गेर के बाजू में है और पांचवी जगह जो है वो भी भारत गेर कंपनी के पास ही है जहां आप अपने जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए है उसके हमको पालन करना है और हम लोगों ने यहाँ सब अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, कॉरपोरेशन की तरफ से, वेटरनरी डॉक्टर की तरफ से, बाद में जो जो हमको जो करना है वो ऑलरेडी हमने किया है। यहाँ 5 कत्ल खानों को परमिशन दिया हुआ है और हाईकोर्ट ने जो जो निर्देश दिए उसका पूरा पालन हो जाएगा। आगे आने वाले त्यौहार जो है, 1-2 महीने में पूरे त्यौहार आने वाले, बकरीद के बाद में दही हंडी है, बाद में उसके बाद में गणपति है, मुहर्रम भी है। ये मुमरा में अपने को ये सब लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखते हुए अपने को शांति से त्यौहार मनाना है बस। और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस आयुक्त कार्यालय की तरफ से हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बकरीद के त्यौहार में होने वाली है उसके लिए मुमरा के एरिया के अंदर 5 जगह चुने गए हैं, वैसा परमिशन जो है वो दिया हुआ है और उस 5 जगह में उसके लिए जो वेस्ट मटेरियल है और जिसकी वजह से अपने को कोई नुकसान ना पहुंचे आगे, उसके लिए उसको डिस्पोज करने के लिए हर जगह में जेसीबी से खड्डा निकालना या उधर उसको अपना टेम्पो में लाना, उसके लिए जो भी सफाई कामगार चाहिए या ड्राइवर या व्हीकल चाहिए उसका प्रबंध हमारे साफ़ सफाई डिपार्टमेंट जो है उन्होंने किया हुआ है। और उस स्पॉट में जो बकरे या जो जानवर आने वाले उनका टेस्ट करने के लिए, उनका जो गए साल में जैसा जो डॉक्टर एवरी स्पॉट में थे वैसा हर जगह में एक डॉक्टर तैनात रहने वाला है। कहीं ना कहीं जो लोग कुर्बानी घरों में करते थे, गलियों में करते थे, वो अब शहर में 5 जगह मनपा द्वारा स्लॉटर हाउस जो टेम्प्रोरी बना कर दिया जा रहा है कुर्बानी के लिए उसमें कुर्बानी किया जाएगा। वहीं पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और कुर्बानी के लिए जो नियम है उसका पालन करें। कानून को अगर कोई भी हाथ में लेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।